किसने कहा कि नानी बसूरी है? हैं सिमे, किसने कहा आपको कि नानी बसूरी है? और कीरत भैया आज तैयार हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए, घर के ही कपड़े पहना दिए हैं क्योंकि मैंने सोचा वो विंटर वाली ड्रेस मैंने प्रेस व्रेस करके रख दी है, क्योंकि पहले मैंने सोचा था अप्रैल में ही भेजूंगी, फिर इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे लगा कि इसको स्कूल भेज देना चाहिए क्योंकि बहुत ज़िद्दी हो गई है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़िद्द करती है जब मैं इसे पढ़ाने लगती हूँ। तो फिलहाल पापा तैयारी कर रहे हैं इसके स्कूल भेजने की। इसको लंच में दिया जा रहा है पपीता, क्योंकि रोटी जल्दी से खा के नहीं आती है, तो हमने सोचा चलो पपीता दे देते हैं, साथ में फोक डाल देंगे। और फिर कितू फिनिश करके आएगी ना, कितू फिनिश कर दोगे? खा लो, कपड़े गंदे हो जाएंगे। यही मार दिया चक, खा लिया, बस इतना ही खाना था। और देखो मेरा टॉवल किसने नीचे गिराया है, ये मैंने रखा था एक साइड। सुबह का काम अपना हो चुका है कंप्लीट, अब मैं पीऊंगी चाय। और यहाँ सिमू को देखो वो कार्य करने लगी हुई है, काम दिखा देती, बड़ी काम काजी बेटी है, बहुत काम करवाती है ये। छोलिया छिलवा रही है अपनी नानी के साथ, ये देख चने तने है, छोलिया बोलते बेटा। अच्छा आपने कपड़े तो दिखा दो, दिखाना सबको, गाइस को दिखा दो, गाइस कह दो हेलो गाइस, कैसे लग रहे हैं मेरे नए न्यू कपड़े? अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताओ, अगर आपको मेरे कपड़े अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करो। बोली को भूल लेनी है, 12:30 बजे छुट्टी होगी उसकी मेरे ख्याल से, हाँ फिर 12 बजे से चल जाऊंगी मैं लेने, ठीक है 12 बजने में 10-1 मिनट पहले चल जाऊंगी। इनके लिए अभी से पहले चाय बनाऊं, पहले मैं बन, अभी तो 11:30 हुए हैं, अभी तो आए हैं ये, थोड़ी देर में बना देना 12:30 बजे से है। हाँ आप इतना छोलिया निकाल लो, मैं इतना मेरे लिए चाय बना लेती हूँ। चाय पिएगा, बच्चे नहीं चाय पिया करते, आपके लिए दूध ले आएंगे। नानू आपके लिए चिज्जी लाए हैं, दिखाऊं? चलो फिर अंदर, चलो 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 अंदर, फिर दिखाऊंगी आपको नानू क्या लाए हैं आपके लिए। चिज्जी नानू इसके लिए चिज्जी लाए हैं, क्या लाए हैं बताओ? अरे ये तो अपना बेड है, नई चादर बिछा दी, अब सर्दियों की तो हटा दी, गर्मियों की ले आए। ये क्या है, किसकी चॉकलेट है ये? नानू को थैंक यू बोलो पहले। ओके वेलकम मेरे बेटू, ये लो ना। है मामी ने नहीं दी, नानू लेकर आए हैं आपके लिए। हाँ ठीक है, ये आपके लिए मैं दीदी को आते हुए दिलवा लाऊंगी, ठीक है? हाँ जी खोलू, ठीक। कैसी है? अच्छी। अरे वाह किस लिए लड़ाई हो रही है आप लोगों की? हाँ पोपड़ी वो क्या, मैं बड़ी हूँ, कौन है बड़ी? ओए गंदी क्या बहनों की सिमो, भैया पार्सल तो क्या मंगा लिया, सिर दर्दी एक ये पहन के बैठी है और दूसरी ने कहा मैं पहनूंगी, और देख पापा के साथ एक पापा के थप्पड़ भी मारा भी नानू की रोटी लिए बैठी हूँ मैं, कि रोटी देंगे उन्हें पापा को क्या हो गया हाँ मैं तो कितना थक गई हूँ पता है, परेशान हो गई, हंसी भी आ रही है गुस्सा भी आ रहा है, निक्कर नहीं पहना करते सर्दियों में, वो एक साइज छोटा है, बड़ा मंगवाना है निकाल दे एक मम्मी सलमान खान बनी घूम रही है कीरत ए कीरत
एक ने कहा मुझे भी सलमान खान बना दो कच्चा बना के। अच्छा कौन सी है जींस? ये तो मेरी जींस है। किरत इधर आ जा। दोपहर के बच्चों के हैं दो फिलहाल। भी आपने ने झाड़ू उठा लिया है, आप सोच रहे हो दोपहर के 2 बजे झाड़ू? हाँ, क्योंकि अभी फिलहाल खाना वाना खाया है हमने, और उसके बाद जो है पहले से ही सोच रही थी मैं झाड़ू लगाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो पहले खाना वाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगाऊंगी। बांड अटेंडे साफ करके अभी फिलहाल मैं फ्री हुई हूँ। बच्चे गए हुए हैं छत पे, क्योंकि आज है ना छत पे काम चल रहा है, टंकी चेंज करवा रहे हैं ना, इसलिए तो मम्मी छत पे गई, बच्चे भी साथ में चले गए और पापा चले गए हैं ड्यूटी अब। तो मैंने सोचा चलो यही टाइम है अपना झाड़ू लगाने का, तो झाड़ू लगा के फिर देखूंगी बच्चों को सुला दूंगी, क्योंकि उसके बाद जो है 4 बजे बजाए दिखते हैं 2 बजे के बाद, और फिर अपने को पार्लर जाना। अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं जो है थोड़ा सा रेस्ट करा, उसके बाद जो है उठने के बाद मैं पहुंच गई पार्लर, तो वहां मैंने बनाया ये हेयर स्टाइल। शाम के 7 बज गए हैं भाई, मैं आ चुकी हूँ पार्लर से, जल्दी आ गई क्योंकि मम्मी को अभी प्लम्बर ने सामान लिख के दिया है कुछ, तो मम्मी गई है सामान लेने, तो फिर मम्मी बोली कि घर का काम रहता है तो तू आ जा, तो फिलहाल मैं बैग वैग उठा लाई हूँ, और अब झाड़ू भी लगाना है और सब्जी भी बनानी है। तो पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू, फिर बनाऊंगी मैं सब्जी, और उसके बाद पहले झाड़ू लगाऊंगी, फिर जोत लगाऊंगी, और फिर जाके सब्जी बनाऊंगी। प्याज व्याज मम्मी काट गई है, बस वो सारी चीज़ें कटपट करके फटाफट छोंक देंगे। बच्चे रो रहे कह रहे हमें गली में खेलना था, फिर अगर मैं गली में लेके बैठे रहूँगी तो घर का काम रह जाएगा, तो टीवी चला देती हूँ उनके लिए। और मैंने बनाया एक हेयर स्टाइल जिसकी वीडियो मैं इसके बीच में डाल दूंगी, आप देख लेना, बहुत सारा प्यार देना। अगर आपको और भी हेयर स्टाइल सीख मतलब देखने हैं सॉरी, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, कोशिश करूंगी कि हर रोज या अल्टरनेट डेज पे एक आधा हेयर स्टाइल बना के डाल दूँ। और अब बच चुके हैं रात के 8:30, सारा काम मैंने निपटा लिया, इन द सेंस मतलब सब्जी बना ली थी, झाड़ू लगा लिया था, जोत लगा ली थी, और उसके बाद बाहर कपड़े रखे थे वो कपड़े उतार के तय कर लिए, वहाँ गद्दा वद्दा बिछा दिया। पापा भी आ चुके हैं और मम्मी भी आगे वाले रूम में बैठ के बात करें, तो अब टाइम हो चुका अपना खाना बनाने का, तो अब खाना बना लेती हूँ, खा पी लेते हैं बस इसी समय। अब मैं ब्लॉग की कर रही हूँ एंडिंग, तो गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग्स, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं आपको। इससे तो मैंने सोचा था व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, कर दी थी, लेकिन अभी फिलहाल जो है सर्दियों के कपड़े रखने का मुझे लगा कि रख देती हूँ। हाँ, 4-5 बार निकाल लिया मम्मी मैंने, तो फिलहाल जो है और उनकी जैकेट, पापा की जैकेट और वूलन कपड़े है, मैं सोच रही हूँ बेड में रख देती हूँ, क्योंकि कल सुबह जो है फिर अकेले से रखे नहीं जाते, तो अब यहाँ से गद्दा निकाल लिया है, मम्मी पकड़ा देगी और मैं अपना कपड़े रख दूंगी।